उसमें सिविल सोसाइटी आगे आए। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, मेरे साथ यहाँ पर आर्ट्स काउंसिल के रूए रवां अहमद शाह साहब खड़े हैं, जिन्होंने सबसे पहले हमें लबैक कहा और कहा कि मैं भरपूर शिरकत आर्ट्स काउंसिल की तरफ से और अपने लोगों को लेकर आऊँगा। इसी तरह मैं तमाम जो बार्स के यहाँ पे मुंतखब नुमाइंदान हैं, चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, फेडरेशन है, सिविल सोसाइटी, उनसे कहूँगा आए इजहार यकजहती करें और मजम्मत करें फलस्तीनी भाइयों नौजवान बच्चों। देखिए मैंने जैसे आपको लफ्ज कहा ना कि हमें इश्यूज को टेबल पर बैठ के रिजॉल्व करना, मैं यहाँ पर आप पर इल्ज़ाम लगाऊँ, आप मुझ पर लगाएं, वो कोर्टों पर लगाए, वो इदारों पर लगाए, इससे काम नहीं होगा। ये 76 सालों से हो रहा है, ये आज के मिसिंग पर्सन नहीं है, ये मसाइल हमारे जमा हो चुके हैं और दोनों साइड से जब बातें सुने तो दोनों सही लगते हैं, एक तरफ से 9 हैं और एक तरफ से 6 है, लेकिन हमें इसे रिजॉल्व करना है आपकी मदद से, मेरी मदद से, इनकी मदद से। हम कब तक सिर्फ सवाल करते रहेंगे और उनके अधूरे जवाब सुनते रहेंगे? इसलिए मैं कहता हूं कि एक बार सबको वेलकम करें, जो मुल्क से बाहर भी हैं, जिनके मिसिंग पर्सन हैं, सबको एक टेबल पर बिठाएं। पाकिस्तान के मसाइल हमने हल करने हैं और हम ही ने करने हैं, कोई मसीहा बाहर से नहीं आएगा। शुक्रिया। जहाँ जहाँ सियासी जमातें मौजूद होती हैं वहाँ गवर्नर मौजूद नहीं होता।